नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद अब चुनावी घमासान के लिए नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। खजुराहो में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे और यहां पर पत्रकारों से रूबरू होकर उन्होंने अपनी बात सामने रखी। सबसे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भड़ास निकालते हुए कहा कि सरकार सवालों के घेरे में है, एक और व्यापम जैसे कांड हुए हैं जहां इतनी मौतें हो गई लेकिन सरकार पर कोई आंच नहीं आई। तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और महिलाओं पर अत्याचार भी लगातार हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया, चूंकि बुधनी में प्रत्याशी घोषित करने के बाद प्रत्याशी द्वारा वापस कांग्रेस का दामन थाम लिए जाने से अखिलेश यादव नाराज दिखाई दिए। इस बात पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ऐसे नेता जिन्हें कांग्रेस में महत्वपूर्ण स्थान या टिकट नहीं मिल पा रहा हो, वे समाजवादी पार्टी में आए, उनका स्वागत है। इस मामले में बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने गठबंधन में बहुत देर कर दी। पहले बसपा के सामने डोरे डाले और अब वहां दाल नहीं गली तो समाजवादी पार्टी के सामने आ गए, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने भी साफ तौर पर मना कर दिया है। समाजवादी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन करके मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और अब उनका कहना है कि अब अगर कांग्रेस चाहती है तो बसपा और सपा दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आगामी समय में हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन ही 2019 में मिलकर लड़ेगा और भाजपा को मात देगा। कांग्रेस के इस दाव पर उन्होंने पलटवार करते हुए विदिशा से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और यादव महासभा के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल करके उनका स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर वर्तमान में समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष गौरी यादव को सिलवानी से प्रत्याशी घोषित किया, तो वहीं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष को ग्वालियर ग्रामीण से घोषित किया है, जिनका नाम अशोक यादव है। के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरी यादव जी भी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये तैयारी है पार्टी की। सिलवानी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, साथ ही साथ जो अभी अशोक यादव ग्वालियर ग्रामीण से, ये भी हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, इन्हें भी समाजवादी पार्टी ने मौका दिया है कि ग्वालियर ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगे। मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश की जनता का कि जिस समय हमारी पार्टी के नेता कंकर मुंजारे जी, उन्होंने बालाघाट में जो कार्यक्रम कराया, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, इसलिए जनता विकल्प के लिए समाजवादियों की तरफ देख रही है और हमें उम्मीद है एक बार समाजवादी पार्टी ने बड़ी संख्या में विधायक जीते थे, इस बार भी हम लोग काम करने आए हैं और लगातार काम करेंगे। हमारी पार्टी की संख्या भी ज्यादा होगी और हमें खुशी है इस बात की कि गोंडवाना गठबंधन पार्टी हमारी मदद करेगी, हमारा गठबंधन होगा और वहीं हमारी बातचीत बहुजन समाज पार्टी से भी होगी। हमारा गठबंधन की बातचीत है, बहुजन समाज पार्टी से भी कोशिश करेंगे कि कोई रास्ता निकले, हम तीनों दल मिलकर के कोई रास्ता निकालें राजनीतिक, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत सी चीजों में पीछे छूट गया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां के किसानों को दुख दिया है, तकलीफ दी है, परेशानी दी है। स्वयं सक्षम है अपने बारे में निर्णय लेने के लिए। आप भी कई बार मिल चुके हैं। मिलते नहीं, मेरा भतीजा है सुभाष यादव साहब ने काम किया है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय का विरोध भी मैंने सरेआम किया है। यादव समाज विरोध करेगा। यादव समाज ने सरेआम कह दिया है कि अरुण यादव जी को जो आपने हटाया वो हमारा अपमान है और उस अपमान का बदला हम लेंगे। और दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। गहोई सेल्स एंड सर्विस में आकर्षक एक्सचेंज ऑफर के साथ आपको मिलेंगे कैंट, नसाका, यूरेका फोर्ब्स, एक्वागार्ड, टाटा स्वच्छ और यूनिलीवर प्योरिट के अलावा ल्यूमिनस बैटरी, हेवल्स, पद्मनी अप्लायंस, बजाज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिंफनी, उषा, सेलो और इसके अलावा टेलीविजन,
रेंज में टाटा स्काई HD वीडियोकॉन T2H और डिश टीवी की सुविधा, साथ ही साथ वी गार्ड और फिलिप्स के भी उत्पाद। इस भीषण गर्मी में कूलर की हर रेंज कहोई सेल्स एंड सर्विस में उपलब्ध है, तो आज ही आए कहोई सेल्स एंड सर्विस, कांग्रेस कार्यालय के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर।